इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नागरिक संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। नागरिकता संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। एनआरसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। और नागरिक संशोधन बिल विवादित बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। एनआरसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एनआरसी बिल नहीं चलेगा। नागरिक संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। नागरिक संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नागरिक संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। नागरिक संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप। ये भारत सरकार मोदी की जो भाजपा की सरकार है, आप देख रहे हैं अभी पिछले दिनों एक नागरिकता संशोधन बिल लेके आई है। उसके पहले एनआरसी इन्होंने लागू किया राष्ट्रीय स्तर पे। अब वो कह रहे हैं कि इसको हम राष्ट्रीय स्तर पे लागू करेंगे। आपने देखा कि जो एनआरसी लागू कर रहे थे आसाम में, उसका क्या परिणाम आया? 19 लाख लोगों को उन्होंने नागरिकता से वंचित कर दिया है और डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ जिसमें लोगों को ठूस देने का काम किया है। बहुत लोग डिटेंशन सेंटर में मर रहे हैं। यह पूरी भाजपा की और आरएसएस की साजिश है कि देश को हिंदू राज बनाने में, जो हिंदू राज का एजेंडा है उस पर लागू करने के लिए सब लोग कर रहे हैं और हम लोग उसका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज विरोध कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि देश ये आम आवाम और सबके सबका है, हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय का देश है, जहाँ ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इसको ये सांप्रदायिकता के आधार पर बांट लेना चाहते हैं। जब वो 1947 में जब वो एक बंटवारे पर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, तो फिर ये सत्ता में आने के बाद 1947 जैसी स्थिति देश में लाना चाहते हैं। और सांप्रदायिक आधार पे ये नागरिकता संशोधन बिल जो लाए हुए हैं, हम कहते हैं कि देश के संविधान और मूल लोकतंत्र और संविधान के लिए भी ये उचित नहीं है कि जब हमारा लोकतंत्र कहता है और संविधान कहता है कि यहाँ सारे समुदाय के लोग मिलजुल कर रहेंगे और सबके बराबरी का हक है, तो आप किसी धर्म के आधार पर आप किसी को नागरिकता नहीं दे सकते। ये जो नागरिकता संशोधन बिल लेके आ रहे हैं, एक धर्म विशेष के लोगों को नागरिकता देने के लिए विशेष तौर पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये देश में नहीं चलेगा। ये देश की गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको नुकसान पहुंचाएगा और इसलिए हम आज ये पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आज इसका हम प्रतिवाद कर रहे हैं कि वो नागरिक संशोधन बिल वापस लिया जाए और एनआरसी जैसा विवादित रजिस्टर, जो नागरिकता की रजिस्टर बनाने की साजिश है अमित शाह और मोदी के मिलीजुली से हो रहा है, ये सब रोक लगे और वापस लिया जाए।